सुबह दे। अच्छा रसिया जैसे सुने जाए, या में गुठली है ना छिलकाए, पूरो रस ही रस है, तभी तो आपको नाम रसिया है और क्या। तो जैसे सुनो जाए आराम से सुनो, लेकिन अगर बैठ के सुनोगे तो थोड़ा मजा आवे। वो भैया हाँ बकर बकर फालतू की नहीं होगी, समझ में आएगी हरे बात हमारी। इनकी तरह नहीं है कि बिना फालतू की कह रहे तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है प्रोग्राम तुम्हारा, हमारा तो पहला कह रहे। ये नजर ते नजर मिली जाती जाए समझ के बढ़िया ले आए, यार फूटा तोड़ के भाजेगी जे खबाए के खड़िया ले आए, मन भर दूध पिलावेगी जे खबाए के खड़िया ले आए। यारे भाग फूट गए शर्मा जी जो जे अल्लड़ पड़िया ले आए। जवाब दो जा भैया, दे दे भैया जवाब, अरे पीछे वाला जवाब दे दे भैया, क्या बात है अब दो भैया। आ जा रही उत कुआ, आ जाइए ना, ये लड़ पड़िया हम पे। अब देखो सब जुगाड़ करके यही लावत है कि कैसे हुँ? भगवान करे कि नई सी है जाए तो घर में दूध है जाए, यही काम करते हैं। अच्छा हम पे पड़िया बारे हैं और जे भैंसा बारो है। हाँ जे भैंसा बारो कहाँ गो, अरे भैंसा है तो है ये, बैठो तो है भैंसा। अब देख अब जैसे ही हम पड़िया लाए ऐसे ही भैंसा ले आयो। अब भैंसा कैसा है आपको मालूम है? गए चूतर सूख या भैंसा के एक। ये 100 रुपए का पुरस्कार श्याम पहलवान मोहली वालों की ओर से आते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद चाहेंगे। गए सूखे चूतर भैंसा के बिल्कुल ही सड़िया ले आए, सूखी है चूतर भैंसा के, सूखी है चूतर भैंसा के और ये बिल्कुल सड़िया ले आए, ये बिल्कुल सड़िया ले आए। और जकी अम्मा खुश है रही मन में मत सोने की लड़िया ले आए, जकी अम्मा खुश है रही मन में, जकी अम्मा खुश है रही मन में मत सोने की लड़िया ले आए। और कचूतर पीटे ते उनाए बड़े ये चूतर रे, डंडा तो आगे नाए बड़े जाए ऐसो अड़िया ले आए, डंडा के पीटे पीटे ते नाए बड़े या ऐसो अड़िया ले आए, या ऐसो अड़िया ले आए जाए ऐसो अड़िया ले आए। और जिम्मेदारी तुम्हारी है अगर बात के बात लड़े तो जाए ऐसो अड़िया ले आए। और जो मेरी बढ़िया ही टपे आए रही है जे भैंसे ही गड़िया ले आए, मेरी बढ़िया ही टपे आए रही है जे भैंसा गड़िया ले आए, बढ़िया ही टपे आए रही है मेरी। अच्छा बेगनो टुकरो ने आज डाट देते हैं, और जब मुहासो आ जा चुका है तो तूरी भैंसा के घर भैंसा के चूतर सूख के है जाते हैं। रुपया तो आवाज 200-250 चंगे भैंस करवावे लेकिन भैंसा पे चढ़ो ही ना जा। अच्छा चढ़ू जाए तो लटक जा तो फिर उतरना है बड़ी मुश्किल से, और का है और वहां को पगा पकड़ के खींचेगा तो भैंसा कर। अब के भैंसा उल्लंघु ना देख रहो बिल्कुल, अब ये भैंसा और भैंसिया कोई ना देख रहा होता बेटा, ये बैरक वाले हैं ये समझ ले, जितनी चिट्ठी जवाबी आई है सबको बैरिंग करके हमने हाथ रसकन को भेजी है हमेशा। अब चाचा तुम बताओ तुम्हें मजा आ रहा हो ना आ रहा हो? अब हाँ ऐसे ही मजा आता है, जवाब है रो के ना तो सुन दे। लंका वाले मेरे जाए हलाले, लंका वाले मेरे जाए हलाले, अंगद कह रहे जाए हलाले। अच्छा अच्छा टांगू हलाले इशारों को अंत कर रहे हैं हम तो यो कर रहे हैं जो सुस्त तो है के गावत है
काउ पे लट्ठू लेके भाज परू ते नहीं है मेरे बारे उखाड़ के इकट्ठे कर दे औकात सबकी इनकी माले में। अब देख सुन, अब रावण कह रहा है सुन, अरे ओरे बंदर तू देखे भाले, अरे ओरे बंदर तू देखे भाले, अरे ओरे बंदर तुम देखे भाले, क्या औकात तेरी सब मालूम है, ये औकात तेरी सब मालूम है, औकात तेरी सब मालूम है, वो बातें बिगाड़ के आई है, ये औकात तेरी सब मालूम है, और ये बातें बिगाड़ के आई है, और तेरे असली बाप को नहीं पता चलो। सुने अंगद, चौक तेरी अम्मा तो रास्ता में डार के आई है, तेरी अम्मा तो रास्ता में डार के आई है, और ये बात मैं जानता हूँ क्योंकि मंदोदरी की शादी मेरे साथ ही हुई थी। उसने कहा था कि मैंने सुना है कि तुम्हारी ललकार जब होती है तो स्त्रियों के गर्भ खंडित हो जाते हैं, वो ललकार सुनाइए वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं जाती। और झूठ की ओट में खड़ी हो गई, रावण ने जब ललकार मारी तो वहां अंगद पैदा हो गया, उसको छोड़ के चली आई। यहाँ प्रबुद्ध सभा बैठी है, तेरी औकात मैं जानता हूँ, सुन ले बंदर वो देखे भाले, मांगो जी बंदर, अरे सुन ले बंदर तुम देखे भाले, सुन ले बंदर तुम देखे भाले, और देख जान तेरी के, अरे जान तेरी के आज पड़ जाए लाले, अरे जान तेरी के आज पड़ जाए लाले, अरे जान तेरी के ये पड़ जाए लाले, या फिर ये कह लो कि चेहरा तेरे, और 100 रुपए का पुरस्कार दिया था हमारे श्याम बाबा जी ने, मोहली वालों ने, बहुत बहुत धन्यवाद। और तू ये नहीं जानता बात किससे कर रहा है, अरे रावण के दरबार में छोरा बात करे अनहोते की, रावण के दरबार में छोरा बात करे अनहोते की। रावण वो शख्सियत है जो राम से मरते वक्त भी नहीं झुकता है, वो कह रहा सुनो प्रभु, आपको मैंने जीते जी लंका में कदम नहीं धरने दिया, लेकिन मेरा हौसला देखिए, तुम्हारे सामने ही तुम्हारे लोक जा रहा हूं। तो वो बंदरिया दे डर पे जाओ, अरे रावण के तलवार में छोरा बात करे अनहोते की, और मेरी का तू बात करे तो भोरन होए मेरे पोते की। होड़ना होए मेरे पोते की, नाती पोते ने कोई होड़ना होएगी और का है, और देख भैया तुम्हारा नाम बोलगो, हाँ श्याम बाबा की तरफ से, तू लड़का छेल छबीला, श्याम पहलवान की तरफ से, श्याम पहलवान की तरफ से 100 रुपए बोल गए भैया, आराम से बैठो, महंगे ना आए इतने 100 रुपया का मजा ले जा रहे हो। तुक्का का जवाब पहले भी नहीं आया, योगी जी के संटाते हैं, मार के सही करते हैं, फंटाते हैं, योगी जी चिनाई कर रहे हैं, सो फंटी मारते हैं कबू कबू। अरे जब शब्दकोश ना बचे तो बच जाना चाहिए, अकलमंदी की तुमने मेरा गीत नहीं लड़ाया, क्योंकि लड़ता ही नहीं तुमसे, मेरे भारत जैसा कोई नहीं, तो देख फिर गा रहा हूं मैं, अब भाई उम्र को छोटो है तेरे बाप तक कुश्ती भिड़ जाएगी, अरे बेटा इन बात ने छोड़े हट पे, तू लड़का छेल छबीला मैं लड़की नाच वाली, तू लड़का छेल छबीला मैं लड़की नाच वाली,
तेरे जैसे आगे पीछे रखती है ये सोनाली। हमारे गुरुजी ऐसे हैं कि हमें गलत शब्द नहीं बोलने देते, लेकिन उधर के ऐसे बच्चे हैं कि कछु बोलो, बड़ी मंच है, संभाल के रखो अपने बच्चों के लिए। यो कह रहे हमारे मुकेश भैया कि तुम्हारे जोरे पहुंच गई और तो तुमने पकड़ी ना है, पपीता बना देते और फिर अपनी नायरों के ही वहीं जाके कह रही पपीता मजेदार यार तेरी बगिया में। हाँ, पपीता की जगह पूरे इतनी तो शर्म ना है कि जा बात कह रहे हैं वहां पे नेक देर उठक जाए। गलत तो ना कह रहा हूं मैं, सही बात है तो देख। अरे तेरे जैसे आगे पीछे रखती है ये सोना। चल हट जा जा रे, चल हट जा जा रे, तू क्या दिल लगाएगा। चल हट जा जा रे, तू क्या दिल लगाएगा। चल हट जा जा रे, तू क्या दिल लगाएगा। हंस मत पगली, चल हट जा जा रे, चल हट जा जा रे। रावती इतनी जगह नहीं छोड़ूंगा, इतना भारी मन है कि मैं उन बातों को नहीं जानता। ये शख्सियत मेरे सामने खड़ी है, नहीं मुझसे ज्यादा फटका गाने वाला कोई हिंदुस्तान में पैदा ही नहीं हुआ। चल हट जा जा रे, तू क्या दिल लगाएगा। और हंस मत पगली, हंस मत पगली जे प्यार हो जाएगा। हंस मत पगली प्यार हो जाएगा। हंस मत पगली प्यार हो जाएगा। अगर एक लाइन चढ़ा के ले आओगे तो मैं मान जाऊंगा। एक बेटे कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। कोई कितनी बड़ी चीज लिखता है उसमें जगह निकलती है लड़ने की लिए और लड़ानी चाहिए, लेकिन जो लोग चीज को छोड़कर चले जाते हैं मैं उनकी मर्द में नहीं समझता। गुरुदेव हंस मत पगली जब प्यार हो जाएगा। के रखो हौसला मन में, रखो हौसला मन में, वीरों का युद्ध बड़ा है। रखो हौसला मन में, वीरों का युद्ध बड़ा है। और ना कमती कोई रन में, तू जिनके विरुद्ध खड़ा है। ना कमती कोई रण में, ना कमती कोई रण में, तू जिनके विरुद्ध खड़ा है। जब अभिमन्यु का साथ महारथियों ने मिलकर के वध कर दिया तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि शाम होने तक अगर सूर्यास्त से पहले मैंने जयद्रथ को नहीं मार दिया तो चिता में जल करके अपने शरीर का भस्म कर दूंगा। और महाराज जी वही समय आ गया, ले ले बेटा, वही समय आ गया। अर्जुन ने धनुष रख दिया और चिता की ओर चलने लगे, लकड़ियों की जान रखी थी। कौरवों ने सोचा कि चलो आज देखेंगे अर्जुन जलेगा, और सब इकट्ठे होकर के तमाशा देखने को आए। भगवान कन्हैया ने जो सुदर्शन से सूर्य को ढक रखा था वो सुदर्शन हटाया और सूर्य दिखने लगा। तो अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन रखो हौसला मन में, वीरों का युद्ध पड़ा है। श्याम पहलवान बहोली वाले 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, आशीर्वादी कामना करते हैं। हाँ भैया, अरे रखो हौसला मन में, वीरों का युद्ध पड़ा है। ना कमती कोई रण में, तू जिनके विरुद्ध खड़ा है। और भगवान कन्हैया कह रहे हैं, ए अर्जुन धनुष को उठा। ए अर्जुन किधर देख रहा है? अरे धनुष तो उठा, तू धनुष तो उठा, धनुष तो उठाइए, अपने आप मर जाएगा। धनुष तो उठाइए, अपने आप मर जाएगा। धनुष तो उठाइए, अपने आप मर जाएगा। और अर्जुन मेरा विश्वास कर, भगवान कन्हैया कह रहे हैं कि धनुष तो उठाइए, अपने आप मर जाएगा। और यहाँ मरेगा बेटा, वहां बाप मर जाएगा।
और यहाँ मरेगा बेटा, यहाँ मरेगा बेटा वहाँ बाप मर जाएगा, यहाँ मरेगा बेटा वहाँ बाप मर जाएगा, यहाँ मरेगा बेटा वहाँ बाप मर जाएगा। क्योंकि जयद्रथ का सर कट के जब तक बृहद छत्र की गोद में ना गिरेगा, और अर्जुन ने ऐसा ही बाण चलाया, आप लोग देखने वाले महाभारत में, बाप की गोद में सर गिरा और सर जैसे ही वो भजन करके उठे नीचे गिरा तो बृहद छत्र के भी 100 टुकड़े हो गए सर के। क्या बात है, ऐसी कहानी में ला रहा हूं, यहां बेटा मरेगा वहां बाप मर जाएगा। अब देखिए, गोट ढूंढने के वास्ते मोतनी के पास में राजा नल पहुंचा, वो बड़ी मन में फिक्र हो रही है, तो राजा नल समझा रहा है, सुन और ये श्याम पहलवान महोली वाले 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, आशीर्वाद ही कामना करेंगे। तू है मेरी जान, ये तू है मेरी जान, तू है मेरी जान, अरे तू है मेरी जान इससे वो भी ना अनजान है, अरे तू है मेरी जान इससे वो भी ना अनजान है। और मैं जानता हूं ए मोतनी, तू है मेरी जान इससे वो भी ना अनजान है, और तेरी जान उसमें उसकी बगुली में जान है, तेरी जान उसमें उसकी बगुली में जान है, तेरी जान उसमें उसकी बगुली में जान है, अरे तेरी जान उसमें उसकी बगुली में जान है, तेरी जान उसमें उसकी बगुली में जान है। पप्पू भैया ऐठ दूंगा नार, ए अरे ऐठ दूंगा नार, अरे ऐठ दूंगा नार, ऐठ दूंगा नार तो चुपचाप मर जाएगा, ऐठ दूंगा नार तो चुपचाप मर जाएगा। और मोतनी मेरा विश्वास कर, ऐठ दूंगा नार तो चुपचाप मर जाएगा, और यहाँ मरेगी बगुली वहाँ बाप मर जाएगा। और वो प्यारे धनुष की टंका है, और वो प्यारे धनुष की टंका है, और कल समर में लिखे जाएंगे बाबा किस्मत के। श्याम पहलवान महोली वाले आशीर्वाद ये कामना करते हैं, 100 रुपए का पुरस्कार। मासा धुन बजाओ खुशी का है मौका।